हरे कृष्णा। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमें सोने डिजिटल मार्केट चैनल को। तो आज हम बात करने वाले वाइस कट डॉट वीडियो के बारे में। वाइस कट डॉट वीडियो वेबसाइट क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, उसका क्या यूज है? तो बहुत ही पावरफुल ये अपने टूल है, प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप वीडियो रिलेटेड काम कर सकते हो अलग ही लेवल का। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट्स वीडियो बनाने का। कोई लॉन्ग वीडियो आपके पास तो उसका आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। मेन मेन पॉइंट्स होगी वो ये के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। जो यूजफुल पॉइंट होगी वो आपके शॉर्ट्स वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपके जो लैंग्वेज है वो क्या करता है, ये जो होता है वो इंग्लिश को ज़्यादा अपने समझ पाते, तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो बेटर रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वीडियो तो आप लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट बना सकते हो। हिंदी में भी ऑप्शन होगा लेकिन वो इतना समझ नहीं पाता, तो यूजफुल पॉइंट्स वहाँ पे नहीं कैप्चर कर पाएगा सही से। सेकंड ऑप्शन मिलता है इसके अंदर आपको साइलेंस का। हम जैसे वीडियो भी मैं बना रहा हूँ अभी, कभी कभार अभी बोल, ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ तो बीच में साइलेंस आ जाता है। जैसे ही सुप रहेंगे तो साइलेंस आ जाता है, वो क्या हमें कट करना पड़ता है वीडियो में। तो इसके लिए टाइम थोड़ा और भी लग जाता है वीडियो एडिटिंग करने में। तो ये क्या करेगा, ये के जरिए इतने भी हमारे साइलेंस है बीच में वो कट कर देगा ऑटोमेटिक ये के जरिए, और वीडियो को अपने टाइम जो वीडियो की साइज है वो भी कम हो जाएगी और फास्ट वीडियो बन जाएगा। तो ये ऑप्शन मिलता है। थर्ड ऑप्शन मिलता है सब टाइटल्स एंड ट्रांसलेशन का। ऑटोमेटिक ए के जरिए सब टाइटल जनरेट कर लेगा। अगर आपके वीडियो में सब टाइटल ऐड नहीं है तो जो भी इंग्लिश में वीडियो होगा उसका सब टाइटल ऐड हो जाएगा, और उसका ऑटोमेटिक जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये भी ए के जरिए होगा आपके। और फोर ऑप्शन इसके अंदर मिलता है बैकग्राउंड म्यूजिक का। अभी जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ, अभी मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, तो कभी कभार क्या होता है नॉर्मल वीडियो एडिटिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता है ज़्यादा, और हम जो वॉइस हम जो बोलते हैं उसकी वॉल्यूम हो जाती कम, तो वो क्या होता है दिक्कत होती है लोगों को, समझ में नहीं आता है। तो AI के जरिए क्या करता है, म्यूजिक और अपने वॉइस को दोनों को एक साथ चलाएगा, और जो हम बोलेंगे पहले वो मैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा करेगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। तो हम पूरा बोलने के बाद फिर जैसे साइलेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वॉल्यूम हाई हो जाएगा। तो ये पूरा सेटअप करेगा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का और वॉइस का। तो ये बहुत ही बढ़िया ये टूल है जिसे आप यूज कर सकते हो वीडियो रिलेटेड। फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी। तो पहले हम इसे फ्री में स्टार्ट करेंगे, बाद में इसे पेड वर्जन आप अगर पसंद आता है तो आप खरीद सकते हो। सब वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में वीडियो को देखते रहे एंड तक। इस बात के लिए कर देना एक लाइक। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आगे इस वाइस कट डॉट वीडियो के ऊपर इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आ सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो सबसे फर्स्ट में हमने बात की शॉर्ट वीडियो की। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आप बना सकते हो लॉन्ग से। सेकंड में अपने साइलेंस कट करना, इसके अलावा सब टाइटल एंड ट्रांसलेशन करना, स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना वगैरह वगैरह। तो ये सब काम आप इसके अंदर कर सकते हो। तो सिंपली कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है। और प्राइजिंग की हमने बात की कि आप पहले फ्री में इसे स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो प्राइजिंग में। ये यहाँ पे एक फ्री में $0 से स्टार्ट है, फॉर एवर फ्री, 30 मिनट का वीडियो बना सकते हो, 720 पिक्सल्स का होगा, 2GB स्टोरेज तक मिलेगी। तो ऑप्शन मिलता है, उसके बाद $10 से स्टार्ट है। तो आपको पसंद आया तो फिर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली कर देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है, वो वापस अपने ईमेल पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। तो ये ओपन हो गया डैशबोर्ड, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिलेगा आपको। अभी यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मीडिया फाइल ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ से आप मल्टीपल फाइल ऐड कर सकते हो, अभी फ़िलहाल मैंने एक की है। तो यहाँ से अपलोड वन फाइल पे क्लिक करेंगे, ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, ये सॉरी ऐड मीडिया पे क्लिक नहीं करना है, ये अपने परसेंटेज यहाँ पे अपलोड होने देना है इसे, ठीक है। यहाँ पे हो गया है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख देता हूँ टेस्ट स्पोकन लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी में है। और यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन मिलते हैं, स्मूथ कट्स, ऑटो कट साइलेंस, स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑटो डक, ऑटो पंच इन आउट और बर्नर इन कैप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन ऑन करे हुए वो यहाँ पे आपको रखने हैं, ठीक है। जो आपको देखिए जैसे साइलेंस की बात की हमने, उसके बाद स्मूथ कट्स वगैरह है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, ऑटो डक्स है जो कि अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करना और अपने वॉइस को ज़्यादा रखना वो, और पंच इन आउट है, तो ये आपको ये ऐसे ही रखना है, ठीक है। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, तो ये प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको होम पे क्लिक करना है, ठीक है। होम पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको जो आपने प्रोजेक्ट ओपन किया होगा अपलोड वो यहाँ से आएगा, तो ओपन पे क्लिक करना है। तो ओपन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो, और वीडियो इज लुकिंग क्वाइट एंगेजिंग फॉर सेकेंड टॉप, यहाँ पे जो जो हुआ है वो यहाँ पे इसने बता दिया है, नोटिस हमने सॉरी इसने नोटिस बता दिया कि फॉर सेकेंड के साइलेंस को रिमूव किया गया है, एक जंप कट किया गया है,
18 लाइन्स सब टाइटल क्रिएट की गई है, म्यूजिक दैट द परफेक्ट फिट योर ऑडियो, जो म्यूजिक था वो परफेक्ट फिट किया गया ऑडियो के अंदर, ऑडियो इनहेंस किया गया है बराबर, स्मार्ट क्लोजअप क्रिएटर विथ ऑडियो पंच वो भी आप पे किया गया है सब, ठीक है। तो यहाँ से आप वापस इसे एडिट प्रोजेक्ट पे करके एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि अभी देख सकते हो यहाँ पे इसने थोड़ा जो हिंदी का लैंग्वेज हमने आगे भी बात की थी कि ये सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तो ये सही नहीं कर पाया है। फिलहाल अभी देख सकते हो ये जो साइलेंस था उसने ये साइलेंस फर्स्ट सीन रिमूव किया, सेकंड को रखा, थर्ड रिमूव किया, तो ये फ़र्क देख सकते हो। और मैंने जो वीडियो दिया है वो वीडियो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट में दिया पहले बिफोर आफ्टर दोनों वीडियो दूंगा, तो आपको बीच में जो डिफरेंट होगा वो पता चल जाएगा। अभी यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर, देख सकते हो अलग अलग टाइप से ऑडियो है, कॉपी, उसके बाद इमोजी है वगैरह, सॉरी यहाँ पे फेस है, फेस के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो प्लस माइनस में, ये क्या ऑप्शन आता है कि ऑटो पंच आउट कर सकते हो फेस को, पंच आउट पंच इन कर सकते हो। उसके अलावा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर ये सीन है और डुप्लीकेट है, कॉपी है, इस ऑडियो को मीडियम करना है, वॉल्यूम और मीडिया वॉल्यूम दोनों है, तो म्यूजिक के लिए वॉल्यूम यहाँ पे मीडियम कर गया दोनों के लिए, तो आपको अगर सही नहीं लगता है तो लो कर सकते हो वॉल्यूम अपने म्यूजिक को, और जो मीडिया वॉल्यूम में जो हम जो बोलते हैं वो यहाँ पे आपको हाई करना चाहते हो वो कर सकते हो, सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और बाकी सब ऑप्शन दे रखे ये अपने, ये देखिए यहाँ पे ये भी फिलहाल से बंद करना होगा। उसके अलावा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर ये वापस प्ले करने के लिए, तो इसने पूरी तरह से ऑटोमेटिक जो जो अपने वीडियो के अंदर साइलेंस था वो कट कर दिया, उसके अलावा जो नोटिस आया आगे वो सब कर दिया है। तो अभी फिलहाल इसने हिंदी बराबर डिटेक्ट नहीं की है, आगे मैंने वो बात कर दी थी आपको, तो इस बात के लिए एक माइनस पॉइंट, अगर इंग्लिश होती तो बराबर तरीके से होता। ये हो गया, अभी आपको ट्रांसलेशन में आना है, ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश हिंदी जो भी यहाँ पे लैंग्वेज मिल रही है इंग्लिश में आप कर सकते हो ट्रांसलेट, ये हो गया ट्रांसलेट। उसके बाद म्यूजिक है, स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूजिक में आप जो पसंद आता है वो ले सकते हो, अभी इसने डॉट और अपने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया होगा, तो फिलहाल मैं इसे लूँगा नहीं। अभी सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग में आपको ये जो ऑप्शन दे रखे वो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, या इसने कर दिया कोई बात नहीं। फिर पर व्यू एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ओरिजिनल साइज है, अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे HD क्वालिटी में आएगा, और ऑडियो एंड वीडियो का ऑप्शन है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके लिए वेट करें। 1 hour later तो इसने जनरेट कर दिया। अभी आपको मैं इस वीडियो के बीच में दोनों बता दूंगा, बिफोर का और आफ्टर का जो कि चेंजेस हुआ है, तो आप देख सकते हो कितने यहाँ पे चेंजेस हुए वो। हरे कृष्णा, मेरा नाम है भाविन और आप देख रहे हैं अमित सोनी डिजिटल मार्केटर चैनल को। तो आज इसी टूल के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे जैसा वीडियो बनाएगा। वीडियो को देखते रहिए एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम है भाविन और आप देख रहे हैं अमित सोनी डिजिटल मार्केटर चैनल को। तो आज इसी टूल के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे जैसा, वीडियो को देखते रहिए एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखा होगा आपने किस तरह से यहाँ पे जनरेट हुआ है, काफ़ी अलग टाइप से किया है, लेकिन थोड़ी हिंदी लैंग्वेज थी तो इसको समझने में दिक्कत हुई, तो मैंने आगे वही बात की कि इंग्लिश वीडियो अगर होगा तो काफ़ी बेटर तरीके से समझेगा, ये आपके डिटेक्ट कर पाएगा और साइलेंस वगैरह सही तरीके से कट करना, इसके अलावा जो भी ऑप्शन थे इसके अंदर वो सही तरीके से कर पाएगा। हिंदी में भी बढ़िया किया लेकिन इंग्लिश होता अपने और अच्छा होता। तो इस तरह से आप इसके ऊपर कर सकते हो वॉइस कट के ऊपर, अभी सिंपल बस इतने प्रोसेस है आपके, सेकंड के अंदर कुछ ही मिनट के अंदर आपकी ये वीडियो रेडी हो गया सब तरीके से। तो इसमें आप थोड़ी बहुत एडिट आपको करनी होती है लेकिन जो मेन पॉइंट है वो इसने कर दिए, तो आप इस तरह से इसे यूज कर पाओगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इस तरह से आप ये काम करना था वो, अभी आपके कुछ इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो बता देना, सब यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वापस ये वीडियो वगैरह देख सकते हो इनके वॉइस कट के चैनल के ऊपर, और बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसके अंदर, अगर पसंद आया तो खरीद लेना है इसे प्लान को। ठीक है, तो इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसा नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।